हमीरपुर जिला के बमसन क्षेत्र के टौणी देवी में लगभग 1 किलोमीटर लंबे बाजार में आज तक प्रशासन पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाया है। पुलिस द्वारा जगह जगह पर नो पार्किंग के बैरिकेड्स लगाने से लोगों में रोष फैल रहा है। लोगों का मानना है कि ये बैरिकेड उस जगह लगाने चाहिए जहां सड़क तंग है तथा अक्सर अवैध पार्किंग देखने को भी मिल रही है। बमसन क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर लंबे बाजार में आज तक प्रशासन पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाया है। उधर पुलिस द्वारा जगह जगह नो पार्किंग के बैरिकेड्स लगाने से लोगों में रोष फैल गया है। लोगों का कहना है कि ये बैरिकेड्स उस जगह लगने चाहिए जहां सड़क तंग है तथा अक्सर अवैध पार्किंग देखने को मिलती है। लोगों का आरोप है कि आम व्यापारियों को तंग करने के लिए उस जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जहां एक साथ 3 गाड़ियां गुजर सकती हैं। ऐसी जगह से बैरिकेड्स हटाने तथा तंग सड़क पर अवैध पार्किंग करने वालों पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। पार्किंग की बहुत समस्या है, यहाँ पर कहीं भी पार्किंग के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और जाम लगने की समस्या नहीं है। वहाँ पर कुछ वालों ने नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिए हैं और जहाँ पर जाम लगता है वहाँ पर कोई भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगाया गया है। इसलिए मेरे शासन से अनुरोध है कि कोई कमजोर जान है पीली लाइन या पीली पट्टी लगाई जाए, इसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी की जा सकें। स्थानीय व्यापार मंडल शहरी भाजपा इकाई बबीता चौहान प्रधान ग्राम पंचायत वारी व रजनीश कुमारी चौहान प्रधान ग्राम पंचायत टपरे ने टौणी देवी बाजार में पार्किंग स्थल विकसित करने तथा सड़क किनारे पीली पट्टी लगाकर समस्या का हल करने की मांग की है। पंचायत प्रधान वारी बबीता चौहान का कहना है कि जब तक प्रशासन पार्किंग की समस्या नहीं करता, सड़क किनारे पीली पट्टी लगाकर वाहन खड़े करने की सुविधा प्रदान की जाए। आज प्रशासन के द्वारा टौणी देवी कस्बे में जो नो पार्किंग के साइन बोर्ड लगाए गए, उससे जनता में काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार के द्वारा हमें किसी भी तरह की कोई पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है, तो हम अपने व्हीकलों को कहां पर खड़ा करें। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पहले वो या तो यहां पर पीली पट्टी की व्यवस्था करें या फिर पार्किंग बनाए, ताकि हम लोगों को ये कह सकें कि आप अपना व्हीकल यहाँ न खड़ा करके पार्किंग में खड़ा करिए। ये समस्या पिछले कुछ वर्ष पहले भी आई थी, तब भी हमने सरकार से डिमांड की थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस डिमांड को पूरा किया जा सके, ताकि कस्टमर्स को भी और व्यापारी वर्ग को भी इसका जो लाभ है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके और हम उन्हें समझा सकें कि आप अपने व्हीकल को कार पार्किंग जहाँ बनाई गई है वहाँ पर खड़ा करिए, ताकि रोड पर जाम न लगे, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो।